फोन पे, नाइका, अपग्रेड डिलीवरी, बिग बास्केट, गो मैकेनिक, मेडीबरी, रैपिडो, योर स्टोरी। ये नए भारत के कुछ नए स्टार्टअप्स हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे अन्य स्टार्टअप्स हैं जिनके बारे में शायद आपने सुना होगा। जिन्हें नहीं भी पता उन्हें बता दे कि कंपनी साझेदारी अस्थायी संगठन के रूप में शुरू किए गए किसी नए व्यवसाय को स्टार्टअप कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत स्टार्टअप्स का देश बन चुका है। एक वर्ष में सर्वाधिक यूनिकॉर्न्स निर्मित करने के मामले में भारत ने चीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चीन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स की संख्या वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। आज हम भारत के अनोखे स्टार्टअप्स के बारे में बताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बाहर छोड़ दिए जाने वाले आवारा पशुओं से कोई मिलियन डॉलर बना सकता है? नहीं तो आप अपनी कमर पर बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज आप एक ऐसे ही विषय की उड़ान पर जाने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन। मैं हूं दीक्षा नेगी और मैं आपको बताऊंगी कैसे भारत में एक स्टार्टअप दुधारू पशुओं से 160 करोड़ रुपए कमा रहा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नीतू यादव और कीर्ति जांगड़ा, दो सामान्य सी लड़कियां जो देश के उस हिस्से में पली बड़ी हैं जिसमें देश के मुख्य रूप से हिंदी भाषी राज्य जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश शामिल है। 26 वर्षीय नीतू यादव राजस्थान के एक डेयरी किसान की बेटी है और 28 वर्षीय कीर्ति जांगड़ा के पिता हरियाणा में सरकारी कर्मचारी हैं। इन दोनों लोगों के माता पिता तब परेशान हो गए जब उनकी बेटियों ने घोषणा की कि उनके पोस्ट इंजीनियरिंग डिग्री करियर को जारी रखने के बजाय वे एक स्टार्टअप पर काम करना चाह रही हैं। है ये डर समझ में भी आता है। कीर्ति जांगड़ा ने अमेरिका में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की थी और फिर अचानक से अपने करियर को छोड़कर वे एक स्टार्टअप पे काम करना चाह रही थी, तो घर वालों को अचंभा हुआ। रही सही कसर उनके स्टार्टअप आइडिया ने पूरी कर दी। उनका आइडिया ये था कि वे मवेशियों के व्यापार के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस शुरू करना चाहती है। खैर, कैसे भी ये स्टार्टअप शुरू हुआ और आज उनकी दो साल पुरानी कंपनी एनिमल टेक्नोलॉजीज का मूल्य 80 मिलियन डॉलर या कहे कि 600 करोड़ रुपए हो चुका है और इसे गायों के लिए इंस्टाग्राम अमेज़न के रूप में वर्णित किया जाता है। एनिमल ऐप के माध्यम से कोई भी भैंस, गाय, बछड़ा, बैल या अन्य असंख्य नस्लों का कोई अन्य पालतू जानवर खरीद सकता है। उन्होंने देश के शीर्ष उद्यम पूंजीपतियों से 160 करोड़ रुपए जुटाए। उनका कहना है कि पिछले दो वर्ष में 2500 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 5 लाख मवेशी उनके मंच पर बेचे जा चुके हैं, जो सभी प्रतिस्पर्धाओं से बेहद आगे है। नवंबर में वे मार्केट प्लेस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म से खुद भी मवेशी बेचने लगी। नीतू यादव का कहना है कि जनवरी की बिक्री 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन उनके परिवार के लिए ये हवा हवाई संख्याएं हैं। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं है। कीर्ति मजाकी लहजे में बताती हैं कि 2 लाख के बाद मेरा परिवार जीरो की व्याख्या ही नहीं कर पा रहा है। उनकी कंपनी कई किसान संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्मों में से एक है जो पिछले कुछ वर्षों में नवाचार, प्रौद्योगिकी और कृषि के बढ़ते प्रयासों के कारण फली फूली है। डेयरी एक ऐसा उद्योग है जो अभी भी लगभग आधी आबादी को रोजगार देता है। डेयरी फार्मिंग ग्रामीण भारत में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है और एनिमल के ग्राहक इसी उद्योग से आते भी हैं। इस उद्योग के दायरे में नीतू बताती हैं कि हर साल 50,000 रुपए के औसत लेन देन मूल्य के साथ 10 करोड़ के लेन देन होते हैं और इसमें से 80% डेयरी मवेशी है। देखा जाए तो डेयरी क्षेत्र पुरुष प्रधान रहा है। कीर्ति और नीतू पुरुष प्रधान कृषि तकनीक क्षेत्र की कुछ उन महिलाओं में से हैं जो संस्थापकों के कुलीन वर्ग में शामिल है और जो कम समय में ही काफी सफल भी बनी है। जब उनसे ये पूछा गया कि कैसे आप मवेशियों को ऑनलाइन बेचती है, तब उन्होंने ये बताया कि एनिमल ऐप पर लिस्टिंग को डिजाइन करने में उन्होंने काफी विचार किया था। सबसे पहले नीतू और कीर्ति ने सोचा कि उपयोगकर्ताओं को बुनियादी तथ्यों में दिलचस्पी होगी, जैसे कि गाय अथवा बछड़े की उम्र क्या है या उसकी कीमत क्या है, लेकिन उन्होंने पाया कि खरीदार विक्रेता से व्यक्तिगत विवरण अधिक पसंद करते हैं। नीतू ये बताती है कि हम ये बताते थे कि गाय सीधी है, सुशील है, समय पे खाती है, सोती है और लोगों को ये विवरण पसंद आता है। एक समय उन्होंने सोचा कि एक अच्छी अधिसूचना स्वर के लिए गाय की आवाज हो तो बेहतर रहेगा, लेकिन जब वे अपनी रचनात्मकता को पर लगा ही रहे थे तभी उन्हें एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। उनसे लोगों ने कहा कि ये जो वो कर रही हैं ये शर्मनाक है। ये खबर वैसे कई मायनों में आवश्यक है। पहली ये कि ये देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम की मजबूती दिखाती है। हमने आपको बताया था कि ओरियोस वेंचर पार्टनर्स ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि साल 2021 में भारत में अब 1 अरब डॉलर से अधिक वैल्यूएशन वाले 46 स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स का दर्जा पाने में सफल रहा है। भारत में मौजूद कुल यूनिकॉर्न्स की संख्या अब दुगनी से भी अधिक होकर 90 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब ये स्टार्टअप न सिर्फ नवोमेशी समाधान एवं तकनीक लेकर आ रहे हैं बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा कर रहे हैं।
दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिलाओं की प्रतिभागिता किस स्तर पर बढ़ रही है, ये रिपोर्ट इसका भी प्रमाण है। भारत में महिला उद्यमी अब भी 1% से कम है और ऐसे खास केस महिलाओं को ताकत देने का कार्य कर सकते हैं। तीसरा और सबसे आवश्यक बिंदु यह है कि कृषि क्षेत्र में बहुत स्कोप है। तकनीक और पूंजीवाद के सम्मेलन से कृषि नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। खैर, जैसे जैसे आप लोकप्रिय होता जा रहा है, अधिक निवेश होता जा रहा है और ये उद्योग के लिए गंभीर गेम चेंजर हो सकता है।